कैसे करना है, और उसमें हमें एक्सटेंशन अटैच करनी है, तो हम एक्सटेंशन कैसे अटैच कर सकते हैं उस पर पूरा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम कर्ल्स का टॉपिक सीखते हैं कि कर्ल्स कैसे अलग अलग तरीकों से हम कर सकते हैं, उसके बाद हम उसमें एक्सटेंशन कैसे अटैच करें अगर हमारे पास टाइम नहीं है कर्ल्स करने का, तो कैसे हम एक्सटेंशन अटैच करके भी हमारा काम ईजी कर सकते हैं, तो वो सीखेंगे। सो सबसे पहले कर्ल्स करने के लिए, अगर आपको बहुत पतले है आपके बाल, वॉल्यूम बहुत कम है, तो आप 22 नंबर का यूज कर सकते हो। और जब फ्रंट में कर्ल्स आते हैं, जो बहुत कर्ली मेसी लुक जैसा लुक देना है, तो आप एकदम पतला सा 13 नंबर का यूज कर सकते हो। और इवन पीछे भी अभी आजकल बहुत चलता है कि पतले वाले कर्ल्स, जिसमें हम बहुत सारे वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, तभी भी हम 13 नंबर का कर्ल्स मशीन यूज कर सकते हैं। तो आज दोनों का यूज दिखाऊंगी कि कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम 22 नंबर स्टार्ट करते हैं, ऑन करेंगे और फुल जितना उसका टेम्परेचर है फुल टेम्परेचर पे लेना है। करना है करो साथ में, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको कि कर्ल्स कैसे कैसे करते हैं। हाँ, देखना है तो पहले देख लो, फिर बाद में प्रैक्टिस करो। सबसे पहले जैसे हम क्रिम्पिंग, आइनिंग ये सब करते हैं ना, वैसे ही मेथड से अगर आपको बहुत वॉल्यूम चाहिए, कभी कभी क्या अगर कर्ल्स करते हैं तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, तो आपको बेस्ट ट्रिक है कि आप जैसे क्रिम्पिंग और आइनिंग के लिए पार्टीशन नीचे से ऊपर ऊपर जाते हो, वैसे ही पार्टीशन में आप कर्ल्स करो, तो उसका ग्रोथ दिखेगा कर्ल्स किया हुआ आपका। अगर आप डायरेक्टली करोगे ना, ये डायरेक्टली हेयर है और एक 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 ऐसे ऐसे ले लेके करोगे, तो उसके इतने बाल को इतना हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम आइनिंग और कर्ल्स करते हैं वही टेक्निक से आज हम कर्ल्स भी करने वाले हैं। यही सेक्शन और पीछे से स्टार्ट कर रही हूं, नीचे से एक सेक्शन ले लिया, बाकी के बालों को हम ऊपर रखेंगे। अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा बेबी है, अगर आपको कर्ल्स कहाँ तक करने हैं पहले वो डिसाइड करना है, फुल कर्ल्स करने हैं, किसी को सिर्फ नीचे नीचे कर्ल्स चाहिए रहते हैं, तो कर्ल्स में भी वेरिएशन हो जाता है। अगर सिर्फ नीचे नीचे चाहिए और बेबी हेयर है, तो आपको इतना बाल को पहले आयरन करना पड़ेगा। आयरन करने का टाइम नहीं होता है तो क्या करेंगे, कर्ल मशीन के ऊपर के पार्ट को ऊपर रख के ऐसे 2-3 बार ऐसे कर लो, तो खुद से थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन जितना इफेक्ट कर्ल मशीन का होगा उतना नहीं आएगा, सॉरी आयरन मशीन का। सो कैसे लेना है, मैंने एक पार्टीशन लिया, मेरी आयरन मशीन सॉरी कर्ल मशीन के साइज के अकॉर्डिंगली हमें बालों को सेट करना है। अभी मैंने ये वॉल्यूम लिया है अकॉर्डिंग टू मेरे मशीन के हिसाब से। अभी सबसे पहले इसमें फिक्स करो, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। कभी कभी कोई बोलता है कि हम करते तो है लेकिन बाद में खुल जाता है, तो जैसे है ना वैसे ही आपको पकड़ना है। इसको सेक्शन पिन की हेल्प से आपको होल्डिंग के लिए रख देना है, जितना फुल आप करोगे तब तक वो होल्डिंग छोड़ना नहीं है। सेक्शन पिन लेनी है और उसको दोनों साइड से होल्डिंग के लिए रख दो ऐसे ऊपर, ठीक है। दूसरी बार दिखा रही हूँ और एक स्टाइल से, ऐसे ही सेक्शन करते जाना है आपको।
है आप लोगों को कैसे डाल रही हूँ, कोई भी टर्निंग नहीं है, विदाउट एनी टर्निंग आपको टर्न करना है, बालों में टर्न नहीं आना चाहिए वरना वो वेविंग हो जाएगा, और फिर एंड पार्ट को ऊपर तक लेके जाओ और सीधा पकड़ना है आपको मशीन को, जस्ट होल्ड, आपके मशीन के ऊपर डिपेंड करता है उसको कितना होल्ड करने की जरूरत है, अगर आपके पास अच्छा मशीन है तो ज्यादा होल्डिंग की जरूरत नहीं है। देखो और मैं ऐसे निकाल रही हूँ, जस्ट ऐसे खोल खोल के निकाल रही हूँ और मेरा एक साथ निकल गया ये, अभी मैंने इसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है इसको पकड़ के रखो, आपका सेक्शन पिन लगा के होल्ड के लिए रहने दो, ऐसे ऐसे करते करते आपको रखते जाना है, एट द एंड आपको सारे खोल के, आपको चाहिए तो आप शाइन स्प्रे या हार्ड स्प्रे भी कर सकते हो इसके ऊपर, करते वक्त आप शाइन स्प्रे कर सकते हो और बाद में भी रोल कर सकते हो, और आफ्टर दैट ऐसे रखने के बाद आप हार्ड स्प्रे करके फिर उसको खोल सकते हो, तो वो एज इट इज लॉन्ग टर्म तक रहेगा आपका। कभी भी हम कर्ल्स करते हैं ना, तो एक का डायरेक्शन ये साइड में रखने का, एक का डायरेक्शन ऐसे, दोनों अपोजिट अपोजिट करते जाओगे ना तो अच्छे से ग्रोथ बन के दिखेगा, अगर एक ही डायरेक्शन में करोगे तो वो वन डायरेक्शन में ही कर्ल्स दिखेंगे, अदर डायरेक्शन से कर्ल्स नहीं दिखेंगे। जैसे डायरेक्शन की बात करें तो ये मेरे पास दो है, तो जब भी हम करेंगे ना ग्रोथ वॉल्यूम दिखाना रहेगा, तो हमें क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करो, एक को ये साइड में टर्न करो, एक को ये साइड में टर्न करो, मतलब दोनों को अपोजिट टर्न करते जाना है। ये साइड में टर्न करने के बाद आपको इसको ऐसे फिर इसका बंद करके हम इसको ऊपर तक लेके जाएंगे, इसको मैंने ये साइड टर्न किया है अभी, जस्ट होल्ड करो, ओपन एंड छोड़ दो, अभी इसको हम ये साइड में टर्न करेंगे, मतलब आप तो बाल मतलब वो मशीन में टर्न करना है का ऊपर नीचे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक को ये साइड, देखो दोनों का डायरेक्शन दिख रहा है, एक को मैंने ये साइड टर्न किया, एक ये साइड से टर्न है, हां एक ये साइड, एक ये साइड, ऐसे, अच्छा तो अगर हम दोनों को मर्ज भी करना है इजीली ऊपर से अलग रहेगा नीचे से मर्ज हो सकता है, अभी इसको ही हम खोल भी सकते हैं, मतलब ये वॉल्यूम नहीं है हमारे पास जो हमें वॉल्यूम चाहिए, किसी किसी के बाल बहुत पतले होते हैं तो हम कर्ल्स करते तो इतने से हो जाते हैं, तो हम उसको वॉल्यूम कैसे देंगे, सबसे पहले तो हमें ओपन पुलिंग का टेक्निक यूज करना है, तभी हल्का हल्का नीचे बैक कॉमिंग करते जाना है, अभी ये इसको ये साइड में टर्न था तो हम इसको ऐसे ही स्प्रेड करेंगे, पूरे इसको कर सकते हैं नीचे से ऊपर, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है पूरा कर्ल्स कर लेना है, फिर मैंने ये साइड में स्प्रेड किया, दिख रहा है जो साइड में टर्न है मैं वही साइड टर्न कर रही हूँ, उसको अपोजिट टर्निंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसको स्प्रेड कर रही हूँ हार्ड स्प्रे, फिर वापस से एक टर्न है उसका, वापस से उसको ओपन कर रही हूँ, वापस से टर्निंग एंड ऐसे टर्निंग के बाद ओपन करते जाने, जो साइड में टर्न है उसको हम वही साइड में स्प्रेड कर रहे हैं, देखो दोनों में वॉल्यूम में कितना फर्क आ गया, इसका वॉल्यूम देखो और इसका वॉल्यूम देखो,
ऐसे ही हम पूरा सब पूरे बालों को खोल देंगे तो उसका वॉल्यूम ही चेंज हो जाता है। अभी यही ये साइड में टर्न है, तो हम अगर आपका टर्निंग नहीं खुलता रहेगा ना तो थोड़ा थोड़ा बैक कॉम्बिंग करो और फिर उसको स्प्रेड करो तो वो अच्छे से बैठ जाएगा। अभी ये साइड में इसका टर्निंग कैसे है, ये साइड से ये साइड में है तो हम इसको ऐसे ऊपर की साइड ओपन कर सकते हैं। तो वो डायरेक्शन आपको समझना है, सबसे पहले बैक कॉम्बिंग स्ट्रेट करके बैक कॉम्बिंग करो फिर वापस से टर्न कर दो। वो टर्निंग जाएगा नहीं, आप पहले स्ट्रेट कर दो, बैक कॉमिंग करो फिर टर्न कर दो वापस से। अभी इसका टर्निंग मेरा पूरा ऐसे से ऐसे है तो मैं कहाँ ओपन करूंगी, ऐसे। तो इसको ऐसे यहाँ पे पकड़ना है, जहाँ पे आपका टर्न हो रहा है ना वो यहाँ पे पकड़ लो ताकि इजीली आप ऊपर उसको, ये देखो मेरा ऊपर पुल हो गया ये। और उसको ऐसे तो वो स्टिक नहीं करेगा तो हमें हार्ड स्प्रे मारना है, एक नीचे से एक ऊपर से, वापस से थोड़ा प्रेस कर दो अपने फिंगर से। देखो एक सेट हो गया, दिख रहा है वापस। अभी ये टर्न होने के बाद जो टर्निंग आता है ना ये वाला, अभी हम इसको ओपन करेंगे। टर्निंग टर्निंग को ही ओपन करना है। वापस से यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट कर दूंगी, हल्का हल्का बैक कॉमिंग ताकि वो रहे, वापस से आगे से फिनिशिंग। वापस से यहाँ से हम थोड़ा ओपन करेंगे, दिख रहा है कैसे मैं ओपन कर रही हूँ स्प्रेडिंग टेक्निक से। वापस इसको हम स्प्रेड स्प्रे करने के बाद उसको थोड़ा फिंगर से टर्न कर दो, दिख रहा है दो टर्निंग में ही मेरा कितना अच्छे से ओपन हो गया ये। वापस से नीचे वाला जितना टर्निंग है ना आपका उतना ओपन करो। दोनों में वॉल्यूम आ गया, खुद से एक में ही कितना वॉल्यूम हो गया कर्ल्स का, ये एक मैंने ओपन किया। ऐसे हम जो सारे बाल को करेंगे ओपन तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये एक टेक्निक हुआ, इसके अलावा भी हम दूसरा टेक्निक से भी कर्ल्स में और वेरिएशन लेके आ सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने किया हुआ है, अगर उसको हम ऐसे ओपन कर देंगे, सबसे पहले तो हार्ड स्प्रे कर देते हैं पूरे इसको ओपन कर देते हैं। अभी ये मेरा है राइट, अभी इसका मेरे को वॉल्यूम बढ़ाना है, ऐसे वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है मेरे को टर्निंग का, मेरे को इसमें ही वॉल्यूम बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो कितना अच्छे से मैंने वो होल्ड करके रखा था तो कितने अच्छे से वो टर्निंग का होल्डिंग दिख रहा है। अभी हम जो एक 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 है ना उसमें सिर्फ पुलिंग करेंगे, एक में ही जैसे मैं बोलती हूँ ना एक में आप तीन चार ऐसे उठा सकते हो, वैसे ही हम इसमें ये पहला सेक्शन किया, एक दो तीन चार, जस्ट पुलिंग कर रही हूँ मैं, दिख रहा है पुलिंग किया स्प्रे कर रही हूँ। वापस से दूसरा, एक दो तीन चार, ये देखो दूसरा वॉल्यूम, दूसरा टेक्निक से मैंने उसको ओपन किया। वापस से अभी ये 1 2 3, ये देखो दोनों में फर्क हो गया, जो मेरा पहला था उससे प्लेन से थोड़ा वेरिएशन दे दिया मैंने कर्ल्स में ही। जो राउंड एंड राउंड एंड राउंड था उसको मैंने एक लेवल पे लिख के आई, लेकिन वो है राउंड में ही सब। इसका वेरिएशन एक वेरिएशन हुआ, ये हमारा सेकंड वेरिएशन। ऐसे भी कर सकते हो कर्ल्स को टर्न ओपन, तो सब में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, कितने तरह से हम कर सकते। ये एक वेरिएशन, एक नॉर्मल वेरिएशन दिखाया, एक मैंने ये ट्विस्टिंग वेरिएशन, एक मैंने ये मैंने स्प्रेडिंग किया था, इसको मैंने पुलिंग टेक्निक से ओपन किया। अभी
और भी एक टेक्निक है, हम जब ये करते हैं तब हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, जस्ट किसी के वॉल्यूम नहीं रहेगा तो हमें फटाफट काम करना रहेगा, तो हम ये एक साथ करके हमारे फिंगर से इसको ओपन कर दो। देखो ये दो में टर्न हो गया, तो हम ऐसे पूरा खोल भी सकते हैं एट द एंड, जस्ट मैसेज ऐसा, लेकिन कर्ल्स में ही ट्रांसफर होगा ये। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? Yes, ma'am. यहाँ पे भी एक मैंने ओपन करके रखा था, बंद करके देखो। इसको अगर हम ओपन करेंगे, इसको मैंने ना स्प्रे किया है ना कुछ किया है, जस्ट रोल किया था, होल्डिंग किया था, और लूज कर्ल्स बोलते हैं ना जिसको, बहुत टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए होते, बट लूज कर्ल्स जैसा ही चाहिए रहता है। तो हम क्या करते हैं, कर्ल्स करके पूरा बालों को कर्ल्स कर दो, नॉर्मल कर्ल्स, ना हार्ड स्प्रे, नथिंग, कुछ भी नहीं, और फिर उसको अपनी ये फोर फिंगर अंदर डाल के, पूरे बालों में डाल के उसको जस्ट ओपन कर दो, लूज कर्ल्स का लुक आ जाएगा। और फिर चाहिए तो उसको आफ्टर ओपन करके आप उसको हार्ड स्प्रे या शाइन स्प्रे करके छोड़ दो, तो आपका एक लूज कर्ल्स जैसा लुक हो जाएगा। मैम जिनके बड़े बाल होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है कर्ल करने में, तो वो उसका कुछ ये तकलीफ मतलब समझ में नहीं आया। यही टेक्निक से आपको कर्ल्स करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है आपको कर्ल्स करते वक्त? हाँ मतलब जब